गाइस अरीबा के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। मैंने अपने एक हाथ पे लगा लिया है, मतलब गाइस ये बच्चों के फुल लोग सीन्स को जैसे हैं, जो कपड़े हैं ना मेरे वो रह गए मेरी दादी के घर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी जवेरिया खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आगे मेरे इवेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरी कज़न की शादी आएगी, उसके बाद फिर मेरे भाई की शादी आएगी। तो अभी मेरी कज़न की शादी बहुत ही करीब है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स जैसे ही शुरू होंगे तो मैं व्लॉगिंग भी शुरू कर दूँगी साथ साथ। तो पहला इवेंट तो हमारा कल है और मैंने व्लॉगिंग आज रात से ही शुरू कर दी। अभी रात के मेरे ख्याल से अभी क्या टाइम हो रहा है, सवा चार बज रहे हैं, सुबह के 4:15 बज रहे हैं। मैंने कब व्लॉगिंग शुरू कर दूँ, अभी जो पार्ट होगा ना मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, फिर कल जो भी तैयारी होंगी तो फिर कल की तैयारी भी मैं इसी में दिखा दूँगी। तो मैंने कहा कि व्लॉगिंग शुरू कर दूँ, तो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो कल है हमारा पहला इवेंट जो कि है मेहंदी का। तो कल मेरी कज़न की है मेहंदी, तो हम लोग जाएंगे कल मेरी कज़न के ससुराल में जहाँ पर मेहंदी है। तो कल है पहला मेहंदी का इवेंट, उसके बाद फिर शादी का इवेंट आएगा, तो उस पर भी मैं व्लॉगिंग करूँगी आप सबके लिए। और जो है कल जो भी तैयारियाँ होंगी, जो भी होगा सब मैं आपको दिखाती जाऊँगी, आप लोग साथ रहिएगा। तो गाइस अभी तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, जो कपड़े हैं ना मेरे वो रह गए मेरी दादी के घर। तो कल बाबा मतलब जो मेन इवेंट में कपड़े पहनने थे वो मेरे और अलीशा के घर पर रह गए दादी के घर। तो जो है कल बाबा जाएँगे तो कल वो कपड़े लेके आएंगे। और बाकी ये कि अभी फ़िलहाल हम लोग मेहंदी वगैरह लगाएंगे और कुछ और छोटे मोटे काम हैं वो निपटा के फिर हम सो जाएंगे। फिर सुबह जल्दी उठ के फिर हमने कपड़े प्रेस वगैरह करने हैं, तैयार होना है क्योंकि हमने कल बहुत जल्दी निकलना है। तो और उसके अलावा शूट, वो इंस्टाग्राम के लिए शूट भी करना है, हाँ रील्स के लिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया आप जाके पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मेरा हैंडल है GIOLPK, ठीक है मैं नीचे टैग कर दूंगी। बाकी ये कि कनेक्टेड रहेगा मेरे साथ। अरीबा के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। अरीबा का जो है अभी मैं ड्रेस अभी बाहर अरीबा ने इस्त्री करने के लिए दिया था, मैं अंदर लेके आई हूँ तो अरीबा का ड्रेस उधड़ा हुआ था। अब या तो ये चूहे का काम है या फिर ये पता नहीं, रखे रखे तो ऐसे नहीं हो सकता। ये अरीबा का ड्रेस, अरीबा मेरे साथ ही होता है हमेशा, ये पता नहीं कैसे ये पूरा जब निकाला है बाहर तो ये ऐसा हुआ हुआ था और अरीबा को आइडिया नहीं। और मुझे कल इवेंट में पहनना है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमने फिर अरीबा को यही कहा है कि मेरे पास एक इसके ऑल्टरनेट में बिल्कुल एज इट इज सेम रखा हुआ है, क्योंकि हमने आप ही की शादी में ना सेम बनवाए थे। तो मेरा तो वो छोटा हो गया लहंगा, बस उसमें प्रॉब्लम ये है मेरे वाले में जो है ना नीचे पर्पल लगी हुई है और अरीबा की जो है ग्रीन ड्रेस है, मेरी पर्पल थी तो इसलिए पर्पल लगी हुई है। बाकी ये है कि अभी काम चलाने के लिए ये नज़र तो नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने अरीबा से कहा मेरा वाला पहन लो क्योंकि मैं अरीशा का पहन रही हूँ, मेरे छोटा हो गया मेरा वाला तो मैंने अरीशा का पहनना है। बाकी अरीबा चल रिलैक्स, जब सब कुछ सही जा रहा होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। बज्जो बजिया का ड्रेस नहीं आया, मेरा ड्रेस आया था वो बेड़ा गड़क हुआ है और ज्वेलरी भी नहीं हमें मिल रही। हाँ बाय द वे हमारी ज्वेलरी भी नहीं मिल रही, नहीं लोगों को ये भी नहीं पता। हमारे साथ ही सारे प्रैंक्स होने हैं, ये क्या सीन है यार। बस बाकी ये कि अरीबा चल करो। मेहंदी लगना मेरी शुरू हो रही है, ये मेरा डिज़ाइन है सिर्फ फिंगर्स पर मैं लगवा रही हूँ क्योंकि आगे भाई की भी शादी है। ये अरीबा लगा रही है, लगना भी शुरू होगी पर मैं आपको आगे आगे दिखाती जाऊँगी। मैंने अपने एक हाथ पे लगा लिया है, मतलब ये मैंने लगाई है खुद क्योंकि अरीबा से मैं दूसरे हाथ पे लगाऊंगी, अभी मिडिल वाली फिंगर रहती है और बस जो भी थोड़ी बहुत मुझे आती है वो मैंने लगा ली। अब मिडिल वाली फिंगर पे भी लगाऊंगी, उसके बाद फिर दूसरे हाथ पे अरीबा से लगाऊंगी। अरीबा बैठी हुई, मेहंदी मेरी कंप्लीट हो गई है। ये जो ये वाली जो फिंगर है इस पे मुझसे एक भंड हो गया है, फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला फ्लावर बनाया है, मतलब मेहंदी मैंने लगाई है। मैं मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, बस फॉलो करते करते मैंने लगा ली जैसे जैसे करके। बस दूसरे हाथ पे मैं अरीबा से लगवाऊंगी। बाकी ये कि अरीबा बेटी इंतज़ार कर रही है कब बच्चों लगवाएंगे। चले मैं मेहंदी लगवाऊँ फिर मैं आती हूँ। दूसरे हाथों पर मेहंदी अरीबा ने लगा दी है, ये अरीबा बैठी हुई मेरे ये दूसरे हाथों पर अरीबा ने लगा ली है। पहले हाथों पर मैंने आपको दिखाई थी, खुद ही मैंने लगाई है।
बच्चों की मेहंदी लग चुकी है, एक हाथ मैंने लगाई है, एक हाथ बच्चों ने लगाई है, इनके दोनों हाथ डन है। मेरा एक हाथ डन है, मैंने खुद लगाई है, एक हाथ मेरे बच्चों लगाएंगे। और इसके बाद मैं साथ से थंबनेल्स बना रही हूँ। यस ओके गाइस, मेहंदी मैंने छुटा ली है क्योंकि अब मैं लगी हूँ सोने। और रिबा टाइम बताओ, 6:30 टाइम हो रहे हैं 6:30। और मेहंदी मैंने छुटा ली है दोनों हाथों से, और जो है बस मैं अब सोने लगी हूँ। और ये पीछे रिबा बैठी है, उसकी भी मेहंदी हो गई है, बस अब मैं सोऊंगी। हाँ जी, बस स्नैप बनाते हुए बस अब मैं सोऊंगी, और सुबह क्योंकि जल्दी उठना है। और बस या हमें वेन्यू पे, जो हमारा मेहंदी का वेन्यू है, वहाँ हमें 6:30-7 बजे तक पहुँचना है। तो लाजमी मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, उठ के तैयार होना पड़ेगा, फिर मुझे डे डे में ही शूट करना है अपना लाजमी इंस्टाग्राम के लिए, तो जल्दी तैयार होना पड़ेगा। तो बस अब मैं सोऊंगी, मिलते हैं कल, बाय बाय। The next day. So yeah guys, मैं उठ गई थी और मैंने व्लॉग नहीं किया था उठने के बाद, क्योंकि जो है नाश्ता वगैरह करने में बिजी हो गई थी। तो बस कपड़े मेरे आएंगे तो उस पर मैं आयरन करूँगी, और फिर बस थोड़ी देर में तैयार होना शुरू कर दूँगी। हो सकता है कि मैं अभी बस मेकअप वगैरह पहले कर लूँ और फिर इस्त्री वगैरह बाद में करके फिर मैं चेंज वेंज कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें 6:30 तक वहाँ पहुँचना था और अभी ऑलरेडी 5 बज गए हैं, और बस आपको पता है लड़कियों का क्या होता है। तो बस अब मेरे कपड़े आएंगे तो उसको मैं प्रेस करूँगी, और उससे पहले मैं मेकअप वगैरह थोड़ा सा कर लूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ। हे गाइस, तो मेकअप मेरा डन हो गया है, कि आपके बस लिपस्टिक थोड़ी सी रहती है और हेयर स्टाइलिंग भी हो गई है मेरी। बाकी ड्रेस रहता है, अभी ड्रेस बाबा अभी तक नहीं आए घर, अभी वो आएंगे, उस पर इस्त्री करूँगी, फिर उस पर ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी। बाकी मेकअप मेरा डन हो गया है, बस ये लिपस्टिक रहती है अब। और मेकअप मेरा कुछ ऐसा है, वहाँ जाके और ज़्यादा बेटर पता लगेगा। तो गाइस, मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है, बस अभी नेल भी लगाऊंगी और बस फिर चेंज वेंज करूँगी जब बाबा आएंगे, अभी तक बाबा नहीं आए हैं। बाकी ये कि बाल आगे से निकालूंगी और सब हो गया डन, फिर मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्विक सी ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा नहीं जाना। गाइस तैयार मैं हो गई हूँ, और ये मेरा आउटफिट है, आउटफिट मैं आपको रीबा दिखाएगी। और बाकी अभी मैं हूँ अपनी खाला के घर, अब यहाँ से हम अपने वेन्यू पे जाएंगे। रीबा है, ये रीबा का आउटफिट। हाँ, ये रीबा की बनाती है। और ये मेरा आउटफिट, रीबा मेरा आउटफिट आपको दिखाएगी। तो गाइस ये है बच्चों का आउटफिट, मैंने और बच्चों ने आज ट्विनिंग की हुई है। हाँ, अभी हम यहाँ खड़े हैं, बका सेट हो रहा है। ये बच्चों की फुल लुक, घूम के दिखाए बच्चों, सही है। और ये छोटी आ गई, गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ से हम निकलते हैं और निकल के वहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, एंट्री अभी होने वाली है रीबा, और अभी बस एंट्री होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने लिए गुलाब जामुन ले लिया, अब ये मैं खाऊं थोड़ा सा, क्योंकि मिर्चें बहुत ज्यादा लग। सो यार गाइस, घर हम लोग आ गए थे, बहुत मजा आया आज। और अभी टाइम हो रहा है 3:30,
और बस अब मैं चेंज करूँगी और बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मेकअप उतारूँगी और फिर सोऊँगी। तो या गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करेगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग है शादी का। तो या गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।